इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इंजीनियर्स को कुवैत के अंदर कितनी सैलरी मिलती है। गाइस स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लेडीज एंड जेंटलमैन, होप यू आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। गाइस सो मैंने यहाँ पे नोट्स बना के रखे हुए, इसमें बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, 24 मैंने यहाँ पे इकट्ठे करे, 24 नहीं 25 पोजिशन होती है उसके ऊपर सैलरी है। एग्जाम्पल जैसे इलेक्ट्रिकल, सिविल, फील्ड और लैकोमोटिव हो गया, मेंटेनेंस, तो इस टाइप के बहुत सारे, वो HVAC, तो ये सब काफ़ी सारे मैंने ये पॉइंट्स इकट्ठे किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं सैलरी इन कुवैत करके है। फर्स्ट है एकॉस्टिक इंजीनियर, जिसकी सैलरी होती है 800 KD to 1300 KD। गाइस असिस्टेंट चीफ इंजीनियर की होती है 1000 to 1200 KD और बायोकेमिकल इंजीनियर 1000 to 1300। ब्रॉडकास्ट इंजीनियर की भी 1000 to 1300 KD। CAD डिज़ाइनर, CAD हो गया, मे बी जो भी है मेरे को नहीं मालूम, 700 to 1000 KD। CAE इंजीनियर, मेरे को नहीं मालूम भाई इसका क्या फुल फॉर्म है, थोड़ा कमेंट करके मुझे बता दो ताकि मुझे भी पता लग जाए। CAE इंजीनियर की होती है 800 to 1100 KD। सिविल इंजीनियर की है 1000 to 1200 KD। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की है 1000 to 1400 KD। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उसकी है 1200 KD से लेकर 1500 KD। इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर की है 1200 to 1600 KD। फैब्रिकेटर स्पेशलिस्ट जो होते हैं उनकी 800 to 1100 KD। फील्ड इंजीनियर 1000 to 1300 KD। HVAC इंजीनियर 800 to 1200 KD। HVAC सुपरवाइजर की 500 to 1000 KD। लैकोमोटिव इंजीनियर 800 to 1100 KD। मेंटेनेंस फिटर की है 400 to 800 KD। मेंटेनेंस प्रोजेक्टर की है 600 to 1200 KD। मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है 1000 to 1300 KD। और माइनिंग इंजीनियर है 800 to 1200 KD। ऑप्टिकल इंजीनियर 500 to 1000 KD। प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंजीनियर की है 1000 to 1300 KD। प्रोडक्ट सेफ्टी इंजीनियर की है 800 to 1200 KD। सेफ्टी इंजीनियर की है 1000 to 1200 KD और सेफ्टी मैनेजर की है 1000 to 1500 KD और सेफ्टी सुपर ऑफिसर की है 500 to 1000 KD। तो गाइस आई होप कि मैंने सारी जो भी इंजीनियर से रिलेटेड जो सैलरी है वो सब कवर कर ली होगी इसमें। आई होप अगर कुछ भी पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ। आज के लिए तो बाय, टेक केयर, जय हिंद।